साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्राइम चर्चा महत्वपूर्ण बजट पर, बड़े प्रदेश का बड़ा बजट। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बजट की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक शायरी के माध्यम से की। वो शायरी भी सुन लीजिए। योगी जी का बजट बना है जनता की खुशहाली को, और ये बजट रंगीन करेगा आने वाली होली को। ये इन दो लाइनों के साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, योगी सरकार का है या बीजेपी सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार बात तो एक ही है, उसके दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। बजट बड़ा, और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले बजट से बढ़ के आएगा, पिछले बजट से लगभग 70,000 ज्यादा। कारण, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर सबमिट भी हुई है, कारण यहाँ पर निकाय चुनाव भी होने वाले, कारण आम चुनाव अगले साल होने हैं, और कारण इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते केंद्र की कुर्सी का रास्ता होकर जाता है। अगर केंद्र में पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाना जरूरी है। और सीटों की संख्या और बीजेपी के यहाँ पर जो पिछला परिणाम आया था उसकी संख्या हिसाब से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खैर, अब बजट आया तो बजट का प्रभाव तमाम चीज़ों पड़ेगा, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे रोटी को लेकर हो, चाहे कपड़ा का लेकर हो, चाहे मकान को लेकर हो। अब भाई बजट आया तो उसका प्रभाव तो पड़ना लाजमी है, और यही प्रभाव को लेकर यहाँ पर सुरेश खन्ना ने बातें भी कही। जो बजट है, उस बजट की अगर हम एक छोटी सी सारांश प्रस्तुत करेंगे तो इस बजट के माध्यम से सरकार ने तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया है। तमाम तरह की योजनाएं हैं जो कि गरीब लोगों के लिए बनाई जाती है, उस वर्ग के लिए बनाई जाती है जो कि सक्षम नहीं है, उसी के तहत इस तरह के बजट को पेश किया गया है। जिसकी अगर बात करें उन योजनाओं की, तो यहाँ पर विवाह योजना के लिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए यहाँ पर 600 करोड़ का अनुदान दिया गया है, बजट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें विधवा महिलाओं के लिए, तो 4,032 करोड़ रुपए का यहाँ पर विधवा की विकास के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए, पेंशन के लिए या उनकी जुड़ी योजनाओं के लिए यहाँ पर बजट आवंटित किया गया है। इसके बाद अगर बात करें सुमंगला योजना, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है, वहाँ पर भी लगभग 1,000 करोड़ का वहाँ पर भी प्रस्ताव और बजट आवंटित किया गया है। मेट्रो रेल, कानपुर रेल, आगरा मेट्रो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बजट के माध्यम से 40 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को यहाँ नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। अब ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बजट में दिया गया है। खैर, टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि जल जीवन के लिए भी, यहाँ सबसे बड़ा कदम उठाते हुए 25,350 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। उम्मीद जताई जा रही थी शायद सौर ऊर्जा के लिए यहाँ पर बेहतर बजट होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प के रूप में शामिल है, पर उसके लिए महज 317 करोड़ का बजट ये दिखाता है कि सरकार की सौर ऊर्जा पर कुछ बेहतर प्रयास की फिलहाल इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है या प्रयास करने का मन नहीं है, वो तो सरकार बेहतर जानती है, जानते होंगे सरकार के वित्त मंत्री, जनता इतना जानती है कि जो बजट आया है उससे हमको क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। खैर, बजट आ गया है तो उसको ऊपर चर्चा करना जरूरी है, और हम खबरन बीसों की जिम्मेदारी भी है कि बजट से जुड़ी अच्छाई और बुराई जनता के बीच लाए। मैं पूछ चर्चा हमारे मेहमान जो कि रूबरू करा दूँ, यहाँ पे किसी जन बीजेपी का पक्ष रखेंगे, मनोज सिंह कांग्रेस के फायरमैन प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी पक्ष रखेंगे, आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में जावेद अहमद भाई अपना पक्ष रखेंगे, और आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला विशेषण रहेगा, वो रहेगा जावेद अहमद जी से। जावेद भाई, अभी आपने 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट देखा, उसकी भी आपने एक बेहतर समीक्षा की थी, और समीक्षा से हमने भी जाना था कि क्या कुछ बेहतर यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया। अब प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ा सूबा और सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, उसका बजट आया है 6,90,000 करोड़, कैसे देखते हैं आप? ये बजट जो है कई मानों में महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बजट का आकार जो है जी, सरकार ने 2017 से तुलना करके और 2023 में वो ये दर्शाना चाहती है कि 1 ट्रिलियन डॉलर के जो टारगेट है इकॉनमी को,
उसमें अचीव करने के लिए एक बड़ा आकार है। और सरकार ये भी कहना चाह रही है कि हमने जीडीपी को दुगुना किया 2017 से और 2023 में, और हमने बजट के आकार को भी दुगुना किया और राजस्व के वसूली में भी हमने दुगुना किया, यानी मल्टीपल फोल्ड में सरकार ने आंकड़ों को दर्शाया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी शिखर इन्वेस्टर समिट हुई है, जीआईएस इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में हुई है, या G20 का जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, इससे गवर्नमेंट ने बहुत ही उत्साहित होकर और जो उसने 33 लाख करोड़ की बात कह कर कि हमारे पास ये संभावनाएं हैं, और उसका भी आकलन इस बजट में किया गया है। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी इस बजट को समाप्त करते में इंटरव्यू में कहा है कि हमने 5 लाख करोड़ का जल्द ही जो है हम एक योजना के साथ आ रहे हैं। और जैसे अलग अलग सेगमेंट में जो सरकारों का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, हर वर्ग को, हर विषय को बहुत बारीकी से टच किया गया है, और जो महत्वपूर्ण बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, और सभी दिशाओं में बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेट्रो हो या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो, और उसके साथ साथ जो है ग्रीन एनर्जी की बात है, जो बुलंदशहर में, सॉरी बुंदेलखंड में जर्मन कोलैबोरेशन से एक डेवलपमेंट प्लान बना है इसका। जैसा कि आपने कहा कि सोलर सिटी का जो इनका एक बृहद स्कीम है, अयोध्या को इन्होंने टेकअप किया है, और ये मानकर किया है कि सोलर सिटी का कंसेप्ट जो है उत्तर प्रदेश में जो 17 महानगर निगम है या नगर हैं, उनमें इनको हम रोल आउट करेंगे। और फिर एयर कनेक्टिविटी की बात किया है सरकार ने कि 2017 से और अभी तक हम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने 3 की शुरुआत की है, हमने आजमगढ़ और अलीगढ़ को हमने कंप्लीट कर दिया है, आने वाले दिनों में टोटल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में 21 हो जाएगी। और इस तरह से आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का काफ़ी भारी भरकम बजट का इसमें जिक्र किया गया है। प्रदेश में धर्म टूरिस्ट प्लेस का जो पहले से जो चला आ रहा था, रिलीजियस टूरिज्म पे बढ़ावा दिया गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की बात को की बढ़ाई गई है, और साथ ही साथ जो है मल्टी लेवल जो है कनेक्टिविटी के साथ साथ इन्होंने सामाजिक को भी काफ़ी अच्छी तरह से छोटे छोटे जातियों के लिए भी इन्होंने उसको समावेश करने की कोशिश किया है। और जो घरेलू इनका उत्पाद है जिसको ODP के तौर पे हम देखते हैं, उसमें ये काफ़ी उत्साहित है सरकार, जो अभी जो है निर्यात 1,60,00,000 करोड़ से तक बढ़ गया है, और ODP के लिए एक यूनिटी माल की बात कही है, जो अलग अलग जिलों में जहाँ पे ODP का वहाँ पे उनका क्लस्टर के तौर पे वो मॉल होगा, जहाँ पे सामान कच्चा माल या जो उनका प्रोडक्ट होगा वहाँ पे आके उस पर वहाँ से उनकी मार्केटिंग हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी ने कहा भाषण में कि हमारे चुनाव में 130 वादे थे, और आज जो बजट हम पेश कर रहे हैं उसमें 110 वादों का शामिल है, और उसमें लागत में 64,000 करोड़ की खर्च उसमें या बजट में बताया है। हम इसको इस तरह से ज़रूर देख सकते हैं कि जो केंद्र सरकार का जो बजट है, जो एक ग्लोबल बजट के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, वो भी जो है जो स्टेट का जो है, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, पैरामेडिकल की बात किया है इन्होंने, कई हमारे इनोसी इंक्यूबेटर सिस्टम की डेवलप करने की बात कही गई है, जो मुख्यमंत्री का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें गौशालाओं का कान्हा उपवन के लिए 750 करोड़ किया है उसमें, और मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि ग्रामीण लाइब्रेरी की एक शुरुआत हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात है, 100 करोड़ रुपये या तकरीबन 300 करोड़ रुपये की बात है, वो ग्राम पंचायत में वो लाइब्रेरी बनेगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, सब मिला के बजट जो है काफी खूबसूरत। अगर अंक की बात करें जावेद भाई, तो अंक कितने देंगे, तस्में कितने अंक देंगे? अंक में इसमें दो हिस्सा है, एक हिस्सा जो है
प्रोजेक्टेड है और एक हिस्सा जो है जमीनी, सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो अंक का भी आंकलन अभी और इसको स्टडी करना पड़ेगा, तब भी एक अनुमानित क्या, लेकिन आप कह सकते हैं कि हर वर्ग और हर सेक्टर को टच किया गया है, ये एक बेहतर है और एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, चुनावी बजट है। डेफिनेटली चुनाव, सरकारों का काम है चुनाव लड़ना और जाहिर सी बात है, ठीक है, उज्ज्वल योजना जैसी भाग्यशाली योजनाओं को भी उन्होंने उसमें मतलब तराशने की कोशिश किया है और मुझे लगता है प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए, अच्छा कदम है सरकार का। कैसी भाई, भाई सारी हो गई आज, योगी जी का बजट आया है जनता की खुशहाली को, ये बजट रंगीन करेगा आने वाली होली को, आप तो पहले मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा पीछे कारण के बजट अच्छा है गौरव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गौरव जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट को और वित्त मंत्री जी ने साथ मिलकर इस प्रकार से इस बजट को तैयार किया है और लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। बात ये नहीं है कि बजट कितने लाख करोड़ रुपए का है या बजट में कितना बढ़ोतरी हुई, बात यह है कि किन योजनाओं को महत्व दिया जा रहा है। आप देखिए, चाहे गौशालाओं को लेकर के हो और एक्सप्रेसवे को लेकर के हो, मेट्रो को लेकर हो, तो कुल मिलाकर के स्टार्टअप योजनाओं को लेकर के हो, किस प्रकार से आम जनता को राहत मिले, किस प्रकार से जो हमारे युवा है उनको रोजगार मिल सके और जो बिजली की समस्या है उसका निस्तारण किस प्रकार से हो सके, तो उसके लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आप देखिए कि कई सारे नए हवाई अड्डों को भी ध्यान में रखा गया है कि हवाई अड्डों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, वहीं पे जो गौशालाएं हैं उनको भी ध्यान दिया गया है, किसानों का इसमें विशेष ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से खाद पे, बीज पे सब्सिडी के लिए जो पैसा इसमें आवंटित किया गया है, तो कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं गया है। लेकिन हाँ, इसके पहले जब बजट पेश होता था तो जो जो विपक्ष, जो समाजवादी पार्टी आज सवाल खड़ा कर रही है कि आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, तो इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब ये 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे, और वो भी बेरोजगारी भत्ता भी उसे बंदर बांटती कि घर पर एक परिवार को, एक परिवार में 7 सदस्य है, 7ों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और दूसरे सदस्य दूसरे पर कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की पहले बंदर बांट होती थी योजनाओं में, आज सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ है, पानी की तरह चीजें साफ है, और भ्रष्टाचार का पिछले 7 सालों में एक भी आरोप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर या उनके मंत्रिमंडल पर कोई भी आरोप नहीं लगने पाया। अच्छा, और एक बड़ी विशेषता और है गौरव जी, इस बजट में कोई भी अलग अतिरिक्त टैक्स का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आप देखिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर के आए थे और पहला बजट उन्होंने जब पेश किया था और किसानों से वादा करके आए थे कि किसानों की हम कर्ज माफी करेंगे, तो 36 लाख करोड़ रुपए जिस प्रकार से अपने पास से व्यवस्था करके और जनता को राहत दी थी, 1-1 लाख रुपए तक के जो सीमांत कृषि ऋण था उसको माफ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और ये व्यवस्था कोई केंद्र से सहयोग लेके नहीं की जी, ये जो पैसे की बंदर बांट हो रही थी उसको रोक करके इसी प्रदेश से, इसी प्रदेश की इनकम से ही 36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफी करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। अच्छा, उसके बाद में आप देखिए लगातार किस प्रकार से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, प्रकार से सवाल आएगा बन रहे हैं, स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ केवल, स्टार्टअप सीड फंडिंग के लिए केवल 100 करोड़, फिर जो रोजगार वाली व्यवस्था देखिए, नहीं नहीं देखिए क्या है कि सिर्फ स्टार्टअप तक के लिए नहीं है जी, जो उसके साथ से जुड़ी हुई रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा, आप देखिए कौशल विकास का जो कार्यक्रम है जी, कौशल विकास का कार्यक्रम कहीं अलग से नहीं है, मुद्रा लोन जो केंद्रीय योजना है उसका भी कोई कार्यक्रम अलग से नहीं है जी, ये सारी की सारी, और ODOP जो है ODOP को लेकर के जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया और 10 लाख रुपए तक का लोन देने का काम युवाओं को जिस प्रकार से किया गया, एक ODOP प्रोजेक्ट हो, चाहे भदोही का कालीन हो, अलीगढ़ के ताले हो, फिरोजाबाद का चूड़ी का काम हो, तो कोई भी काम हो, तो ये सारे कामों के लिए जिस प्रकार से 10 लाख रुपए का लोन की व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ कैसी भाई मेरा सवाल के बचना है कराई जा रही है कि 100 करोड़ देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के सीड फंड मेरे ख्याल से पर्याप्त लगता है क्या आपको, सीड फंड यानी जिससे शुरुआत हो, देखिए
बीस सीट यानी देखिए गौरव जी, अगर आवश्यकता पड़ेगी जी आवश्यकता पड़ेगी तो अनुपूरक बजट ला करके अगर कहीं पे ऐसी आवश्यकता है तो उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास योजनाएं हैं तो आप देखिए जैसे 33 लाख करोड़ रुपए का ओएमयू साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ जी, और उसमें से लगभग 1 करोड़ रोजगार पैदा हुए जी। उसके लिए पैसे की व्यवस्था हमें कहीं अतिरिक्त से नहीं करनी जी। जो इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा, ये नीति है, समझ गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर 22 लाख करोड़ रुपए तक का ओएमयू साइन होता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तब हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार आराम से दे पाएंगे और उसका 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश का रोजगार दे सकते हैं। अब ये की ओएमयू आप 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जितना जैसे 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 धरातल पे ओएमयू साइन हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट आता जाएगा, धरातल पे चीजें उतरती जाएंगी। आप देखिएगा इन योजनाओं का लाभ किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को मिलता जाएगा और उसके अतिरिक्त जो व्यवस्था है वो सरकार करने के लिए तैयार है, कृत संकल्प है। और ODOP साथ ही साथ स्टार्टअप योजना और जो इन्वेस्टमेंट है, तीनों चीजें फिलहाल है तो तीनों चीजें। अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम सलाम कर रहे हैं? वो आज शेरवानी पहन के पहुंचे थे वहां पर, काले रंग की अलग लुक में अखिलेश यादव थे जी। गौरव जी जी, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कहां पे लाके खड़ा कर दिया था, अच्छा, और एक भी जी इन्वेस्टर्स मीट ये उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, इतना भय और आतंक का माहौल उत्तर प्रदेश में था। और जब अपराधियों पे कार्रवाई की गई तो किसी को मुस्लिम बता दिया, किसी को यादव बता दिया, अच्छा। यानी कि जो मुस्लिम और यादव है उन पे कार्रवाई ना हो, अच्छा। तो कोई भी अपराध करे बाकी सब पे आप कार्रवाई करिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद ये फिर जाति ले आए, कह रहे आपने ब्राह्मण के साथ कर दिया, आपने छत्री के साथ कर दिया, यानी कि अपराधियों को जात के आधार पर बचाने के लिए जो पार्टी मैदान में आ जाए उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ बजट की आलोचना करेंगे। 33 लाख करोड़ रुपए का ओएमयू साइन हुआ है, 25,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, ये छोटी उपलब्धि है क्या? और आपके समय तो लोग उत्तर प्रदेश में आते हुए डरते थे, अच्छा। जब तक देखिए बिना व्यापारियों के, बिना उद्योगपतियों के, बिना उद्यम के किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उद्यम के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरा अच्छा माहौल खड़ा किया। प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह भाई, आप बड़ा मुस्कुरा रहे, किसी भाई बोल रहे थे अरे बजट आया, अच्छी चीज आई, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? ये खुशी है, समर्थन की मुस्कुराहट है या विरोध की, बता दीजिए आप। देखिए ये जी, जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सोचा समझा तौर तरीका है जी, उसी तरीके का एक मैं कहूंगा कि चुनावी बजट आंकड़ेबाजी वाला, बाजीगरी वाला बजट, अच्छा, आम जनता के हित में जो क्रियान्वयन संभव हो सके उससे दूर होता बजट, अच्छा, कागजी, केवल कागजी बजट है, अच्छा। अब इसको केवल कागजी बजट का असर इतना ही होगा कि आज केसी जैन जी बड़ी बड़ी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, अच्छा। लेकिन निरंतर जब क्रियान्वयन की बात आएगी अगले साल तक तो उसमें उस पे दशांश भी संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से उतर पाएगा, अच्छा। बजट अच्छा है, पिछला कार्यकाल ने पूरा किया कि नहीं? नहीं बिल्कुल, कहां से? अब देखिए आज सबसे ज्यादा कन्या विवाह के लिए अगर पैसा दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं तो विधवा को मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा? आज प्राथमिकता तय करिए, आज आज जो भी लोग क्षेत्र में रहते हैं, केसी जैन जी तो खैर बड़े एसी कमरे में रखते हैं, कंफर्ट जोन में अपने, कंफर्ट जोन में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, सरकार में है, सरकार में, हम गांव में पब्लिक के बीच में जाने वाले व्यक्ति हैं। आज जो समस्या है गौरव जी, सबसे बड़ी हो गई इनकी बयानबाजी, भाषणबाजी, अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है जो लोग पारंपरिक तरीके से किसी व्यवसाय में थे, किसी नौकरी में थे, सरकार की नीतियां, भाजपा की नीतियां ने उन नौकरियों से वंचित किया, कितने लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ा, उद्यम का कोई कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं। इन्होंने तो स्टार्टअप, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया की बात की, लेकिन जमीन पर धरातल पे उसका कोई वास्ता नहीं है, अच्छा, जो जरूरतमंद लोग हैं। अडानी के पक्ष में, अडानी के पक्ष में उनकी शेल कंपनियों के मार्फत क्या क्या हुआ वो, अरे अडानी हर बार क्यों आ जाते हैं बीच में? बिल्कुल आ जाते हैं, अडानी प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री है, सच्चाई है ना जी, वो तो अब तो आंकड़ों सहित विश्लेषण हो गया है। ये अडानी हिमाचल में निवेश नहीं कर रहे क्या? राजस्थान में निवेश नहीं कर रहे? सवाल ये नहीं है,
तो कहीं कर देते करे। अगर वो आदमी सवाल तो कोई आप नहीं समझ रहे गंभीरता को। सवाल ये है कि देश भाई मैं तो मुझे नहीं पता है कि राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश उन्होंने किया है। नहीं, देश के साधन संसाधन की खुली लूट की आज्ञा सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से किसी एक अपने प्रिय मित्र को दी जाएगी, प्रिय उद्योगपति मित्र को, तो वो जायज हक किसका जाएगा? ये गंभीर सवाल है। अब सीट फंड पे आपने चर्चा की, आप चूंकि आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं, रुचि लेते हैं, आप बताइए इतने बड़े उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश वासियों का, नवयुवकों का अपमान है कि नहीं है? आप बताइए, कम से कम 1,000 करोड़ होना चाहिए था। आज सबसे ज्यादा अगर दो तरफा हमारा मर रहा है तो शिक्षित युवा मर रहा है, स्किल्ड युवा मर रहा है। अरे तो रहे, कोई कुछ आप बताइए ना, लोग रोजगारी बढ़ी, मैं छोड़ दीजिए आंकड़ेबाजी, मैं इनसे कह रहा हूँ रोजगारी बढ़ी है कि घटी है, निरंतर बढ़ रही है कि घट रही है? तो ये सवाल केवल है लोगों को बेवकूफ, इसीलिए मैंने कहा कागजी बजट है, ये चुनावी बजट है, ये सब। और वित्त मंत्री जी ने इस पूरे बजट में सबसे अगर मुझे एक अच्छी चीज लगी तो दो लाइन की जो उन्होंने शायरी की, उनका मनोयोग, उनकी ऊर्जा, उनकी तन्मयता उसी में लगी। बजट कर दिया कम से कम, नहीं नहीं उन्होंने बजट कह दिया, सुना दीजिए, नहीं शायरी सुनाने की बात, शायरी यही सुना दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता स्किल बेरोजगार हमारा कह रहा है योगी जी से, खन्ना जी से, भाजपा से, काश तुमने मेरे जज्बात को समझा होता, भाजपा और बात की बात थी इस बात को समझा होता, काश तुमने मेरे जज्बात को समझा होता, बात की बात थी इस बात को समझा होता, क्या बजट पेश किया तुमने, कम से कम हमारे हालात को समझा होता। क्या बात, क्या बात। तो ये बात संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, जनता के लिए नहीं है। अब अभी मैं दो तीन एक लाइन में कहूंगा, मेडिकल अपडेशन के लिए कॉलेजों में आपने बात किया, सशक्ति जो लोग हैं धरातल पर देखिए ऐसी स्थिति मेडिकल कॉलेज में नहीं है, पुलिस की आवाज के लिए भी किया, विभाग में डॉक्टर नहीं है, विभाग में डॉक्टर नहीं, कोई व्यवस्था, इनके ही स्वास्थ्य मंत्री को सड़क पर उतरना पड़ता है उसका भ्रष्टाचार की कलई खोलने के लिए, ये वास्तविक स्थिति है। तो अच्छी बात है ना, अगर कोई कमी हो रही है तो कोई कमी नहीं। अच्छा, वो फोटो ऑफ करने से केवल सरकार में जो संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री आप मुझसे मत खुलवाइए, उप मुख्यमंत्री खोल लीजिए, मैं तो खुलवाने बैठा हूं, पावर का टसल है, वहां सत्ता का हीरो बनने का, सत्ता का केंद्र बनने का, राजनीति का केंद्र बनने का, भाजपा का चेहरा बनने की लड़ाई है, उस रस्साकसी में ये हो रहा है, लेकिन इसमें किसका हो रहा है, संसाधनों की बर्बादी कहां की हो रही है, किस पर नाराज हो गए, किस पर नाराज हो गए, किस पर नाराज हो गए, ठीक है। अबे भाई आपकी यहाँ पर समीक्षा बहुत जरूरी है, किसी भाई को लेता हूँ, अमर भाई क्या बोलते हैं आप? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए राजनीतिक पार्टियों की अपनी सोच जी और अपनी मानसिकता एक अलग है, लेकिन वास्तव में ये बजट जो है चुनावी रेवड़ियों जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्योंकि आप देखिए अभी सीट्स की बात हो रही थी, छोड़ दिया, हम इस पर भाई चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा प्रदेश और सेकंड नंबर पर बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यक होगी जी, अल्पसंख्यक को कहीं कोई नाम नहीं। अच्छा, कोई नाम नहीं है। दूसरे उससे छोटी आबादी पत्रकारों की, अच्छा पत्रकारों की उसमें कोई चर्चा नहीं, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये बजट सिर्फ जनता को धोखा देने वाला है, चुनावी वादों का दूसरा एक बड़ा पिटारा है। अच्छा, और केसी जैन भाई की अगर बात मान ली जाए तो ये इतना बड़ा बजट है कि शायद 10-20 लोग मिलकर के उठा ना पाए, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा बजट है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री और उसकी मानसिकता बहुत सोच छोटी सी। अच्छा, आप देखिए कि 750 करोड़ गौशाला के नाम पर बजट पास किया गया है, 1,000 करोड़ कुंभ के नाम पर पास किया गया, दूसरी 16-17% बेरोजगारी की दर बताई जा रही थी 2017 में, आज 4% हो गई। गौरव जी ये मुंगेरी लाल के सपनों जैसा नहीं लगता बजट कि बताइए 4% बेरोजगारी वाली बात दर करी जा रही है, जबकि 16-17% 2017 में, जबकि सच्चाई ये बेरोजगारी यथा बढ़ी है जिसकी वजह से अपराध बढ़ गया है। आज स्थिति ये पढ़ा लिखा नौजवान जो ग्रेजुएट है वो लूटे कर रहा है, राजनीतियां कर रहा है, खुलेआम बाइकें चुरा रहा है, चैन स्कैनिंग कर रहा है, बेरोजगारी की स्थिति है। पता नहीं रोजगार किसको देना है, पता नहीं आसमान वालों को रोजगार दे रहे हैं या धरातल के अंदर वालों को रोजगार दे रहे हैं। धरातल में तो मुझे रोजगार कहीं दिख नहीं रहा है। बाकी बैंक लोनों की बात हो रही, मुझे नहीं लगता गौरव जी किसी शरीफ आदमी को कोई बैंक लोन देती हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं तमाम मेरे सामने ऐसे मसले, बिल्कुल आप देखिए तमाम गुजरात के लफंगे भाग गए पैसा ले लेकर के, आज तक उनका पता नहीं। अरे लफंगे तो कहीं भागोड़ो क्या कहीं, आप बताइए लफंगा नहीं तो शरीफ आदमी तो नहीं होता, वो भागने वाला कौन होता है, शरीफ तो नहीं हो सकता है, लफंगा ही होगा, भगोड़ा होगा, भाग गए लेकर के। लेकिन आप बताइए उसके बाद क्या स्थिति हमारे देश की हुई। अभी चंद दिनों पहले केंद्र का बजट पास हुआ था, उसमें भी यूपीएससी में जो अल्पसंख्यकों की क्या बोलते हैं
जो मतलब कोचिंग होती थी उसका भी पैसा खत्म कर दिया गया। अच्छा। तमाम बजट काटा गया अल्पसंख्यक, क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मेरा सवाल रहेगा, आप आम लोगों को दीजिए, हम अल्पसंख्यकों को बात करते हैं। जो आवास दिया जाएगा क्या वो अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगा? गौरव जल वाली, सुन लीजिए, जल वाली योजना अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगी? अल्पसंख्यक वर्ग तो है तो इसी जनता में ना। जो कन्या विवाह योजना है कि अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगी, विधवा के अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगा? गौरव जी, आवास गौरव नहीं जी हमेशा से होता चला आया, सुन लीजिए, जब से देश आजाद हुआ आज तक। अच्छा। एक आबादी, बड़ी आबादी, हाँ, अल्पसंख्यकों की है, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, एक बात समझ लीजिए। अच्छा। उसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, तमाम जातियां, जैन भी हैं, तमाम जातियां आती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक उसमें बना दिया गया। अरे मेरे से बढ़ के बनते जनता ही है ना? नहीं, कहां जनता, कहां मिल रहा है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। कहां मिलेगा केवल, क्या कहां मिल रहा है आप बताइए? इनके पास हमारे क्या बजट में कहा गया भाजपा के प्रवक्ता बैठे, हिंदू विवाह योजना है क्या वो? कितने मुसलमान, हिंदू विवाह, हिंदू विवाह आश्रय योजना है क्या भाई? ये बजट दीजिए, आप डाइवर्सिफाई गलत मत करिए। विधवा योजना है क्या, हिंदू विवाह योजना है? विधवा, अब हम आपको वो भी बता दे रहे सच्चाई, आप तमाम अल्पसंख्यकों में विधवाएं जो है कहीं लाइन लगाने नहीं जाती है, आप फिर समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये धरातल की बात बता रहा हूँ, जमीनी सतह की हकीकत। तमाम योजनाएं अल्पसंख्यकों को पता ही नहीं चल पाती हैं, सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं और रजिस्टरों में दर्ज हैं। जो इक्का दुक्का लेने जाते हैं उनको इतना टहलाया जाता है। गौरव जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप जमीन पर देखिए आकर के। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो क्या वो हिंदुओं के लिए? मोदी जी तो कह रहे थे 135 करोड़ को हमने मकान दे दिया, 135 करोड़ को राशन दे दिया, कैसी बात गौरव जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, वो जमीनी सतह में कुछ नहीं है। अच्छा, सिर्फ हवा हवाई है। आप जाके देखिए, जिस घर में 6 लोग हैं, 2 लोगों को राशन दिया जा रहा है। अच्छा, ठीक उसके है। और उसके अलावा भी उसमें भी काटा बट्टा मारा जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। नहीं है इनको भी, जवाब दे दीजिए भाई, चुनावी बता रहे हैं। अगर आप किसी, नहीं नहीं, देखिए क्या है कि दो चीजें हैं, आवाज बढ़ाई जाए, एक तरफ कहा जाए कि रेवड़ी वाला बजट है 4% कैसे रह गई, और दूसरी दूसरी तरफ ये कहा जाए, किनारे कर दीजिए। देखिए अब ये इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं, क्योंकि हो अल्लाह में आवाज सही मिल नहीं पा रही, आवाज नहीं आ रही। एक तो इको कर रही है आवाज, और ऊपर से 4 लोग और बोलेंगे तो बात मैं कैसे रखूंगा जी। मैं सुन रहा था धैर्य से, तो कम से कम बात सुने। बिल्कुल बिल्कुल धैर्य से रखिए, सुन रहा है आपकी बात, आप बताइए बताइए बताइए। देखिए किसी भी बजट का, किसी भी पूरे प्रदेश की, प्रदेश के विकास का आकलन आप बंटवारा करके करेंगे। अब आप उसके बाद में योजनाओं को ऐसे बांट दीजिए कि यादवों को क्या मिला, ठाकरों को क्या मिला, वर्मा को क्या मिला, कश्यप को क्या मिला, गौड़ को क्या मिला, तो इस तरीके से आप बंटवारा करेंगे। बंटवारे का बजट नहीं है ये। अच्छा। ये बजट है पूरे प्रदेश के विकास का है, और जो व्यक्ति जिन योजनाओं का पात्र है उसको उन सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उसके लिए अलग से आपको जातिगत बजट देने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यही तो काम किया है कि जो जातिगत आधार पर, अभी हमने वही एग्जाम्पल दिया था कि जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था 500 रुपए महीने, तब आपको लगता था कि रोजगार पैदा हो गया 500 रुपए महीने पा करके। और आज स्टार्टअप योजना है, आज ODOP है, आज कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई रोजगार ही नहीं बचा है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार का मतलब होता है स्वावलंबी बनना। और माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का सीधे सीधे उद्देश्य है कि आप ऐसा काम करिए कि आप 10 लोगों को रोजगार दे सके। आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी का चक्कर लगाते लगाते जीवन के 40-45 वर्ष बर्बाद मत करिए। अगर आप 20 साल के, 22 साल के हो गए, आप मैच्योर हो गए, आप योजनाओं का लाभ लीजिए, अपना स्टार्टअप शुरू करिए, और 10-20-50-100 लोगों को रोजगार दीजिए आप, तो इसमें क्या बुराई है? दूसरी बात ये कि जो चीज अभी कह रहे थे कि भाई अल्पसंख्यकों के लिए इसमें नहीं है, आपने भी तमाम सारी चीजें गिनाई कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, क्या चीजें नहीं है, तो देखिए ये जो समाजवादी पार्टी में हुआ करता था वो इस पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, समाजवादी पार्टी में क्या होता था, आप बता दीजिए, खुल के बताइए ना, झूठी बात आप करें। आप तो समीक्षक है, समीक्षक को पक्षपातपूर्ण बात नहीं रखनी चाहिए। आप बताइए कि जब जब थंब इंप्रेशन से राशन बट रहा है, और दूसरी बात ये कि अगर आपको एक जगह नहीं मिल रहा है, आप कोटेदार चेंज कर सकते, उसके लिए कहीं पे कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपको कराने की जरूरत नहीं है। छोड़िए अल्पसंख्यक, बेरोजगारी दर पे बात कर लीजिए, बेरोजगारी दर कितनी थी, तो आपने क्यों कहा राशन नहीं मिल रहा है? अब आप बेरोजगारी पे आ रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके, झूठ आप बोल रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, बजट के नाम पर आप झूठ बोल रहे हैं, परोस रहे हैं, 80 करोड़ कहाँ बजट है? 80 करोड़ लोगों को बजट की बात कर रहे हैं आप, बिजली तो जाते हैं, अगर आपको कोई आईना दिखाए, मतलब सरकार के तरफ चाहते रहे भाई पत्रकार है, क्या कहना चाहते हैं? सत्ता दिखाती है, क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति के दिखाने पत्रकार भी आईना दिखाता है, ये व्यक्ति के दिखाने पत्रकारों की आपने
राजनीति कर रहे हैं तो आपको पक्षपात पूर्ण बात नहीं रखनी चाहिए। अरे लोग राशन बेच रहे हैं, अपने पास से मुसलमान लोग राशन बेच रहे हैं, घर में 10 लोग हैं, अच्छा। तो 10 लोग राशन ले रहे हैं जाके, अच्छा। राशन वापस बेच रहे हैं, अच्छा। लोग ठेला लेके निकल रहे हैं, कहते मोटा अनाज बेच लीजिए, गेहूँ बेच लीजिए, चावल बेच लीजिए, और सबसे ज्यादा बेचने वाले बेरोजगारी की बात आप कर लीजिए, सारे अपराधियों घरों में बिल्डोजर चला दिया, आप राकेश सचान में कब बिल्डोजर चला रहे हैं आप तो बता दीजिए, चलिए हटाइए। आप बेरोजगारी में बात नहीं कर सकते, हमें मालूम है, आप स्वास्थ्य में बात नहीं कर सकते, ये भी हमें मालूम है, आप शिक्षा में बात नहीं करें, ये भी हमें मालूम है, आप सिर्फ राकेश सचान पर बता दीजिए कि राकेश सचान पर बिल्डोजर कब चलेगा, अरे राकेश सचान पर बिल्डोजर कब चलेगा, जवाब आपको सुनना है, बोले 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 4 करोड़ रोजगार योजना बता दीजिए, कहां पर है भाई, आप धरातल पर तो बताइए, 36 लाख करोड़ रुपए किसने माफ किया किसानों का, सोलर के लिए केवल 17 करोड़ किसने, भ्रष्टाचार में पैसा जा रहा था, अरे आप तो यही झूठ बोल कर भ्रष्टाचार के पैसे को बचत करके किसानों का कर्ज माफ करेगा, आज तक माफ नहीं हुआ, अच्छा माफ नहीं हुआ, आपको झूठी दिखाई देगा, आपको झूठ दिखाई देगा, आपको झूठ बोलना तो आपको झूठ दिखाई देगा, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आपके पक्षपाती लोगों के आवश्यकता नहीं है, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं देखिए बिल्कुल, मैंने कहा कि सरकार ने एक जो लच्छेदार बजट पेश करने की कोशिश की, लेकिन इस सरकार की आर्थिक, देखिए बहुत केंद्र में जो सवाल है, इस सरकार की भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक मामलों की नासमझी, अच्छा, और नियत कि लोगों का जायज उपेक्षित जो लोग हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं उनको हक उसका ना मिले, लेकिन चूंकि चर्चा में अच्छा दिखना है, आंकड़ों में बेहतर दिखना है, तो आंकड़ों की बाजीगरी तो एक ही व्यक्ति हक वाला दिखाई देता है, आंकड़ों की बाजीगरी को तो एक ही व्यक्ति हक वाला दिखाई देता है, देखिए मुस्लिम वर्ग मुस्लिम वर्ग मुस्लिम वर्ग, देखिए हिंदू मुसलमान बजट में हिंदू मुसलमान कहां गया, देखिए देखिए किसी जैन की यही समस्या है, जनता ने इसीलिए आपको वहां कर दिया, जनता ने आपको, देखिए जरूर कल गृह मंत्री बोले भी है कांग्रेस जो दूरबीन से देखी जाएगी, देखिए समस्या यही है, कांग्रेस को सुहा कर दिया, जरूरत कहीं के जरूरत और जरूरत और भूख आपको हक मारते हुए दिखाई दे, परस्पर सबके लिए समान साधन संसाधन ये पाने का अधिकार सबको है जी, वो हर जरूरतमंद को है, जो जिसका वो जिसका वो नहीं जिसका वो पात्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति भारतीय जनता पार्टी इसमें हिंदू मुसलमान देखती के लिए जब पर बात करिए बजट पर बात करिए, बजट किस प्रकार से मूर्त रूप लेगा, उसका आकार क्या होगा, दो मिनट सुन लीजिए, मोदी जी ने क्या किया, देखिए मोदी जी ने जोड़ा भारत, अरे मोरबी वाला पुल गिर जाएगा भाई, ऐसा कभी अलग हुआ करता था, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, अशोक और गुजरात का एक मॉडल, गुजरात का बोगस मॉडल, गुजरात का ऐसा मॉडल जिससे पूरे विश्व में थू थू हो रही है इस समय, अच्छा आए, उस आप बताइए इस प्रकार का इनका झूठा थोथा मॉडल, आधारहीन मॉडल, फ्रॉड का मॉडल, घोटाले का मॉडल, घपले का मॉडल, इस मॉडल इस मॉडल सच्चाई को जब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जन सरोकार के मुद्दे उठाते हुए, किसानों की बात करते हुए, महिलाओं की बात करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की काली नीयत को एक्सपोज करने का काम किया है, तो ये घबराई हुई हताश पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये कैसी भाई, ये किसको चोर चोर मोसेरे भाई बोल रहे हैं, देखिए पूरी तरीके से हताश और निराश है, अच्छा की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक भी हो गए, अच्छा जनता ने फिर भी सबक सिखा दिया, अच्छा सबक सिखा दिया, 2017 में
से इन्होंने किस प्रकार से जवाब ले लो, जवाब ले लो, उसके बाद कैसी भाई जवाब जवाब सरकार रही, जवाब दीजिए, ठीक है कैसी भाई, दो मिनट फिर बोलिए। अरे हिंदू मुसलमान से आए तो मैं बात करूं, देखिए सवाल ये है भारतीय हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, सबका सबका विकास का मॉडल लेके बोल रहे हैं, हॉस्पिटल बनेंगे सबको मिलेगी, सुन लीजिए कैसे हिंदू मुसलमान बाकी मेहमान ठीक है, हो गया हो गया, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, बड़ा गुस्सा ठीक है हो गया। देखिए भारतीय साहब को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए गुस्सा करने लगते हैं। गौवंश के नाम पर 750 करोड़ रुपए दिए गए, तमाम गौवंश हत्या हो रही है। मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, मैं शौच करता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है, आपके किरण रिजिजू कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ। अरे सुन लीजिए महाराज, नहीं सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये आप दोगला बन रहे हैं भाई, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, की योजना है दोगला बन के, सरकार स्टार्टअप योजना कर रही है, गौवंश के नाम पर दो तरीके के काम करे, दोत्या क्या जरूरी है क्या, चलिए चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, यही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए ये वेग में बोल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब झूठ बोलते हैं मनोयोग से तो कुछ देखते नहीं। अभी अभी देखिए आपके कैमरे में मैंने तस्वीर देखी, 72 प्लाटों के मुख्य आरोपी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार, तो इनका भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई है, ये नहीं मानते 72 प्लॉट कम है साहब, कम से कम नहीं, अरे कार्रवाई हो तो रही है, अरे 200 प्लॉट, इनका स्तर बड़ा है ना, बड़ी पार्टी है, स्वयंभू चाणक वाले पार्टी है, इनकी ये सबको हजम कर लेते हैं, ये सबको छुपा लेते हैं, इनकी नीति तो 200 प्लाट हो जाएंगे तब आप सवाल करने के अधिकारी हैं, उसके पहले भ्रष्टाचारी मानते ही नहीं है, दुराचारी मानते ही नहीं है, बलात्कारी मानते ही नहीं, जब तक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स नहीं होंगे, जब तक सब लोग चारों तरफ से कहने नहीं लगेंगे, और जब इनको कहीं ये लगने लगेगा कि इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है तब ये उसको स्वीकार करेंगे। आप बात को नहीं समझिए, आप बात को समझिए कम से कम, तो देखिए आर्थिक मामले हो, हमारी सम्मानित जनता से जुड़े हुए, ये तो प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहा है, ये प्रवक्ता कांग्रेस बोल रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं बोलता, मैं वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की हताशा है, देखिए दोनों केवल आलोचना करेंगे, आलोचना करेंगे, आज उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है इसकी बात करिए ना, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है वही असली चिंता है, कहाँ जा रहा है, कहीं आपको नहीं जाने देंगे, आगे बढ़ रहा है, हाल ये है देखिए रोज आगे बढ़ता जा रहा है, आज प्रकार से आज जो है केवल लपाजी होती है योजनाओं के पहले नाम कितने घंटे बिजली आती थी, उसकी जब जमीनी हकीकत में उतारने के लिए एक बेहतर समन्वय नहीं होगा, और मैं नियत की बात करता हूँ, देखिए नीतिगत इनके इनकी नाकामी तो जग जाहिर हो चुकी है, सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इनकी जो नियत का खोट है, अच्छा नियत, हाँ नियत में खोट नहीं होती तो आर्थिक मामलों के जानकार एक्सपर्ट लोग हैं, नियत साफ करके उसको आते इस प्रकार का खेल नहीं करते, आखिर इनका अडानी से या इनके जो समीप वाले लोग हैं, जो इनके सहयोगी लोग हैं, केवल उनके लिए पॉलिसी पैरालिसिस करके क्यों सारे देश का साधन संसाधन, तो ये सवाल दो सवाल जायज है, ठीक है। अडानी ग्रुप का राजस्थान में लगभग 65,000 करोड़ का निवेश होने वाला है, उनको मना कर दीजिए अगर अडानी ग्रुप से दिक्कत है। हाँ, दूसरी बात, अच्छा। हिमाचल प्रदेश में सरकार आपके वहां पर भी अडानी ग्रुप बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वाला है, वहां पर मना कर दीजिए अगर अडानी ग्रुप से दिक्कत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि सरकार के अभी इन्वेस्टर्स समेत 33 लाख करोड़ की यहाँ पर निवेश की बात कही जा रही है, 18,643 एमओयू साइन हुए हैं, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखते रखते वो लक्ष्य पहुंच के 33 लाख करोड़ पहुंच गया, अच्छा ही क्या रही, लक्ष्य अगर प्रस्ताव आ रहे हैं लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रही होगी ना, फिर आप लोग क्यों बढ़ाई कर रहे हैं। मैंने वही तो कहा, लक्ष्य कागजी में भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए उसका क्रियान्वयन तो दिखे, अच्छा वो मूर्त रूप में आकार ले तब तो हम उस पे आकार नहीं ले पा रहे, बात करेंगे कहाँ हो पा रहा, अच्छा है। तो ये केवल मैंने कहा उत्तर प्रदेश जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश की कहीं ना कहीं इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर उत्तर प्रदेश प्रेमी और उत्तर प्रदेश के भविष्य के प्रति आप चिंतित होंगे तो देखेंगे कहीं साधन संसाधन की सैर सपाटे में लूट तो नहीं हो रही है, कहीं उत्तर प्रदेश के बजट की खुली लूट तो नहीं हो रही है, कहीं उत्तर प्रदेश के आम लोगों के पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे पे, हमारे बेरोजगार हमारे किसानों के हक के पैसे को मिथ्या प्रचार में उड़ाया तो नहीं जा रहा है, केवल इवेंट बना के ये अपनी पीठ थपथपाने का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
आम व्यक्ति को उससे मतलब नहीं है, उसको मुख्य मेन मतलब है, उसका सीधा संबंध है अस्पताल में। इन्होंने बहुत सारी बात की, 5-स्टार सरकारी अस्पताल बना दिए, ठीक है वो जिला अस्पताल थे, इन्होंने केवल पेंट किया उसको मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया, लेकिन उस स्तर के डॉक्टर, उस स्तर की सुविधाएं, उस स्तर का पारदर्शिता, उस स्तर का इलाज जब तक नहीं मिलेगा तो केवल, इसीलिए मैंने कहा कागजी बात रहेगी, तो सिर्फ कागजी बात से कोई कोई तस्वीर नहीं बदलती है, किसी की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं होती है, ये समझना पड़ेगा। अब ये बजट पे चर्चा चर्चा करते हुए ये परिपक्व नेता है, फिर भी देखिए हिंदू मुसलमान देखने लगे, अरे आवश्यकताएं, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हाँ मैं आ रहा हूं, राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है अडानी ग्रुप। देखिए कांग्रेस सम्मेलन में गए थे और उन्होंने कहा है कि वहां पर लगभग 40,000 रोजगार भी दिखाएंगे। देखिए तो अगर अडानी ग्रुप को आपको तक दिक्कत है तो वह निवेश की मना कर रही है, सरकार आपकी है, सवाल होल्ड आपका है। देखिए सवाल गौरव जी किसी व्यक्ति से, उसके समूह से नहीं है, बिजनेस हाउस से, सवाल है नीतियों को दरकिनार करते हुए, नियम और अहर्ताएं, नियम और शर्तों की अनदेखी करते हुए, व्यक्तिगत हित में, पार्टी के हित में, राजभवन का, लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हुए तड़के सुबह 4 बजे शपथ दिलाने के उद्देश्य से अगर कोई बैकडोर खेल हुआ है तो उसकी जवाबदेही तो सरकार को देनी पड़ेगी। अच्छा। व्यापार करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। हाँ। अगर वो तो फिर अगर वो प्रदेश, तो फिर अडानी को आप इनका मित्र क्यों बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल है, मित्र नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर नहीं होते, अच्छा केसी जैन जी कहें, ये जिम्मेदार नेता है, कहें कि भारतीय जनता पार्टी इस पे जो जो आरोप लगे हैं तथ्यात्मक तरीके से उसका जवाब देगी, संतोषजनक जवाब देगी, तो क्यों आखिर पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? अच्छा, सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं है? और भारत के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, जेपीसी की तो मांग है ही है जायज। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो साठ गांठ की आरोप है। अच्छा। जो अडानी को सब नियम को बाईपास करते हुए फायदा देने की बात है, उस पर प्रमाणिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से, आंकड़ों के साथ फैक्ट क्यों नहीं प्रेजेंट करते? अगर इनमें हिम्मत है तो करें। ठीक है, फिलहाल अडानी जी की चर्चा यहाँ पर हर डिबेट में हो रही है। खैर किसी भाई, भाई क्या दिक्कत है भाई, आप लोग क्यों ऐसा करते हो, क्यों आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्यों बचाने में लगे हुए हैं, बहुत दिक्कत है। देखिए जेपीसी से क्या आपत्ति है? जेपीसी क्या लोकतांत्रिक है? जेपीसी क्या संवैधानिक है? जवाब है, भाषण देते ये लोग, इनके पास ये इनके पास ना कोई सवाल है ना कुछ, ये जवाब ये सुनना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग जो कंठ तक स्वयं डूबे हैं, इनको सामने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, देखिए आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया जी, अगर ये आज देखिए चर्चा अडानी पे नहीं हो रही लेकिन ये घूम पर करके अडानी बार बार चले, पसंदीदा विषय सुनिए, पसंदीदा विषय चुनते हैं और जनता को ही बेवकूफ समझते हैं। अच्छा। ना तो ये आरबीआई की बात मानेंगे, ना तो ये LIC की बात मानेंगे, ना तो SBI का आंकड़ा मानेंगे। SBI ने भी कह दिया, RBI ने भी कह दिया और LIC ने भी कह दिया, हमारा 1% इन्वेस्टमेंट है, हमने 28,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, आज भी हमारा 58,000 करोड़ रुपए है, 75,000 करोड़ रुपए हो गया था, हम कहीं घाटे में नहीं है। इन्वेस्टर्स को आज भी हम पैसा वापस करें तो दुगना पैसा वापस करेंगे। दूसरी बात, LIC ने भी ये बात कह दी सिर्फ 1% है, अरे 100% में से अगर 1% किसी कंपनी में इन्वेस्ट है तो ये भ्रष्टाचार हो गया। ये सारी चीजों को जो है ओवरलैप करते हुए हमने उनको सुविधाएं दे दी है 1% इन्वेस्ट है तो, और राजस्थान में अगर 60,000 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्ट करते हैं तो कहां इन्वेस्ट करेगी कंपनी, कर चुकी 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर। तो कुल मिला करके मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अच्छा। तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना हो तो सब कुछ और नियम कानून है इनके, अपने ऊपर आए तो हमने तो प्रदेश के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरी बात ये है जो कहीं भाग के नहीं गए, कहीं भाग के नहीं गए अडानी। अच्छा। और अडानी ने PFO जो उनका था पैसा रिवर्स करने को भी तैयार, पैसा रिवर्स भी कर रहे हैं अगर किसी को कोई आपत्ति लग रही है तो। तीसरी बात ये कि जांच की बात है, जांच उनकी चल रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ सेबी भी उनकी जांच कर रही है और साथ ही साथ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के लिए एक कमेटी गठित करने की बात कही है, तो जांच भी चल रही है। उसके पहले CBI जो है RBI से पूछा गया, RBI ने भी जवाब दे दिया और साथ ही साथ SBI ने जवाब दे, बचा क्या और इनको कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही थी पहले से। और एक एक जॉर्ज है उन्होंने आरोप लगा दिया कि हम देश के प्रधानमंत्री को बदल देंगे। अच्छा। और उस कंपनी में कांग्रेस के एक बड़े नेता की बेटी वहां पे काम करती है। अच्छा। बड़ा पद लेकर के बैठी उस कंपनी में, जॉर्ज ने जो आरोप वहां पे लगाया अमेरिका की एक कंपनी ने। तो ये जो
भ्रष्टाचार और देश को जो खंड खंड करना, देश को कमजोर करना, देश के ऊपर आरोप लगाना, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश है और इसका पर्दाफाश होगा। पर्दाफाश पर्दापरत हो रहा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बच नहीं सकती है, कांग्रेस और एक फॉरेन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसपे कोई विश्वास नहीं करता है, उस पर राहुल गांधी जी ने विश्वास कर लिया कि भाई उसने सर्वे किया और कंपनी के शेयर सिर के धड़ाम हो रहे हैं, उनके ऊपर जांच हो और जेपीसी बैठे, ये हो वो, पूरा सदन का समय अडानी 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 करते करते खा गए। बचा क्या, मिला क्या, वही ढाक के तीन पाक। और आप जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप है नहीं, उसकी जांच हो रही है, ठीक है, लेकिन उसका जवाब तो कंपनी देगी ना, कंपनी के ऊपर आरोप है और देश के लिए कोई खतरा नहीं है। ये कंपनी कंपनी के शेयर डाउन होने से देश के लिए कोई खतरा नहीं है, सिर्फ 1% इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, और बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। किसी भाई भाई विश्व व्याख्या क्या करते हैं, अच्छाई क्या रही? भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज जब सामने आती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ बेहतर कर सकते थे, और अच्छाई क्या है बजट की, उन सुर्खियों को जरा बताइए। मुख्यतः ये सारे ट्रेडिशनल चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और आलेखों पे और इनके जो डाटा का एनालिसिस होता है उस बेसिस पे ये होता है। सामाजिक तौर पे जो पॉलिटिकल एंगल होता है जिसमें अलग अलग उसके बिंदुओं पे गौर किया जाता है, जिसका राजनीति से भी ताल्लुक है, इसमें सरकार का ये मानना है कि हमने $1 trillion के कानून को मानते हुए, गोल को मानते हुए हमने इसका आकार बढ़ाया। फिर उसने ये भी व्याख्या की कि हमने कैसे यहाँ तक पहुँचे, मिसाल के तौर पे वित्तीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, यानी जो टैक्स चोरी थी उनको रोका गया, एक आधार है। दूसरा ये है कि हमने जो है कोई बढ़ोतरी नहीं की पेट्रोल पे, जैसे वैट और जीएसटी जो भी व्यवस्था में है, जिससे और सूबे से कंपेयर किया गया कि हमने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि पहले की पूर्ववर्ती सरकारें जो थी 2017 और इन्होंने बेंचमार्क माना है कि वहां पे कर्ज की अदायगी ज्यादा करना पड़ता था। अब जो है हमारा जो सफर है 7 साल में, उसमें हमने कर्ज की अदायगी की परसेंटेज को घटाया है और संसाधनों को बढ़ाया है। संसाधनों कैसे बढ़ाया है, हमने एक विस्तृत और बेहतरीन मॉडल बनाया और कर की वसूली में और कर की छुपाई चोरी में हमने उसको लगाम लगाया। इससे इनको सेल्फ रिलायंस के तरफ बढ़ता हुआ आंकड़ों में दिखाया गया है, जो इसमें एक अच्छी बात कह सकते हैं कि ये जो पूरी योजनाएं हैं, जैसे एक इन्होंने नई सिटी प्लान लेके आए हैं जिसमें तकरीबन 3,000 करोड़ की इनका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 50% जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर लखनऊ में होना है तो 50% जो है विकास प्राधिकरण का होगा और 50% जो होगा राजस्व उसका राज्य सरकार का होगा। इसी तरह लखनऊ को उन्होंने सौगात भी दिया, नाइट सफारी बनाने की बात कही है। इस पे जो चर्चा होनी चाहिए, जो विपक्ष के तरफ से होना चाहिए, जो हेल्दी चर्चा है कि उसका आकलन हो, जैसे पहले जैसे कभी आजमगढ़ में हरिहर विश्वविद्यालय की बात हो रही, संगीत विश्वविद्यालय की बात हो रही है, आजमगढ़ में इससे पहले भी वहाँ एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई है, हर मंडल में एक विश्वविद्यालय जहाँ पे नहीं है उसकी बात हुई है, फिर इन्होंने जल जीवन पर हर घर में नल की बात कही है, उसमें उन्होंने उनको टेक्निकली साउंड करने की बात कही है कि हम रोबोटिक सिस्टम से और तरीके से उसकी वाटर क्वालिटी और हम चीजों तक पहुंचाएंगे और ग्राउंड वाटर जो टेबल है उसको हम डिजिटल मॉनिटर करेंगे। ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा आयाम है। इसका आखिरी एक और इसमें मैं बिंदु जोड़ दूं कि पहली बार, पहले भी रहा होगा कि एक खाद्य सामग्री की क्वालिटी के लेबोरेटरी बनेगी जो जनहित से जुड़ी हुई चीज है और इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, इसमें एक आयाम को इन्होंने बढ़ाया है। डेफिनेटली इन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकार जो सपा की थी, चूंकि सपा को ही आधार माना जा रहा है, तो उस सरकार में अंत्योष्टि के साथ साथ कब्रिस्तानों की बाउंड्री की भी बात थी उसका, लेकिन अभी जो इस बजट में अंत्योष्टि को लिया गया है और अच्छी बात है, इसी के साथ साथ विधायकों को 3 करोड़ से 5 करोड़ के व्यवस्था की गई है और जैसा एक मिसलियस बजट है जो बड़ा अच्छा है, अपीलिंग है, आप उसको चुनावी भी कह सकते हैं, छोटी छोटी जातियों के लिए मिसलियस में 1203 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और जो बात है, देखिए ये जो बजट होता है, ये बजट एक आंकड़ों पे होता है और उसके इनकम का और
व्यय का होता है, फिर उसके साथ घाटे के साथ साथ बेरोजगारी। अगर आंकड़ों में देखें तो बजट का आंकड़ा बढ़ा के जी और उसके परसेंटेज को घाटे में कम दिखा के जी और इस तरह के बेरोजगारी के 2017 से लेके इसको दिखा के ये सब आंकड़े की बात होती है और ये कोई पूर्व सरकारें भी करती रही होंगी, लेकिन अगर आप टोटल मिला के देखें तो अभी प्रोजेक्शन है जी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्शन है जी, पैसे जो हैं जो जो नए हमारे स्टार्टअप हैं, जैसे आपने अच्छी बात कही कि स्टार्टअप में ODOP में पैसे का जो पैसा का कम है, लेकिन हमारे मित्र ने बताया जैन साहब ने कि हम अनुपूरक में लाएंगे, लेकिन ये बात थोड़ा सा गैप लगा कि IT सेक्टर में बजट का कहीं थोड़ा सा लैग दिख रहा था। स्टार्टअप जहाँ पे हमारे युवा पीढ़ी जो है, जैसे हम बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप बांट रहे हैं और लैपटॉप में हमने अच्छा धन भी उपलब्ध कराया है, इसी तरह स्टार्टअप और ODOP जो प्रोजेक्ट है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इस बजट का इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप है और टोटलिटी में सरकार की अपना इंटरेस्ट एरिया होता है जहां उसका फोकस हो रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लॉजिस्टिक पे, लॉजिस्टिक पार्क की भी बात कर रही है सरकार। सरकार टोटल जो है G20 GIS समिट और जो केंद्र का बजट है उसके बीच में बहुत सारे बजट ऐसे होते हैं कि केंद्र के अनुदान और स्टेट के अनुदान, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटी है, जल नल योजनाएं हैं, बहुत सारी जैसे आयुष्मान योजना है, इस तरह की अगर देखें तो केंद्र पोषित हैं जी, लेकिन सरकारें अपने में ही उसको हिस्सा दिखाती हैं। सब मिला के ये है कि ऊर्जावान दिखाया गया है और ये उम्मीद भी की जाती है, समझाने में ऊर्जावान है, डेफिनेटली आंकड़े जो हैं काफी ऊर्जावान है, जनता को लुभाने वाले हैं। अब ये अमल करने की बात है, कितना ये धरातल पर आएगा और हम सभी चाहेंगे कि जन कल्याण योजनाएं लागू हों। एक चीज हम आखिर में बताएंगे कि जो बेनिफिशियरी हैं जी, हमने ये कहा कि 17 लाख आवास योजनाओं का स्वीकृत हुआ है, बहुत बहुत सारी योजनाएं हैं, वृद्धा आश्रम है, सरकार की एक पहल है कि हम एक फैमिली कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड में जैसे ही आप देखना चाहेंगे तो किसी को वृद्धा की स्कीम से लाभान्वित है, कोई जो हमारे जो वो हैं किसान हैं, किसान के अलावा जो मजदूर हैं, श्रम हैं, ये जो एन नंबर ऑफ स्कीम्स हैं सेंट्रल और स्टेट की, उस कार्ड में वो व्यवस्था होगी और ये एक डायनेमिक अप्रोच है और जिससे मॉनिटरिंग आसान होगी, ठीक है, और ये काफी जो है ध्यान दिया गया। बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। नहीं देखिए बिल्कुल केवल बजट पेश करने के माध्यम से, मैंने कहीं और समय दे रखा है, मैं अभी आपके पास लेता हूँ। बजट केवल कागजी तौर पर कागजी बजट है पेश। अच्छा यहाँ पर जावेद भाई आप विसर्जन भी किए, तभी मेरे भाई आपको कागजी बजट नजर आ रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनकी नीति और नियत दोनों पे भरोसा नहीं है। जावेद भाई नीति पर भरोसा नहीं, जावेद जाई तो उसका आर्थिक पक्ष बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नियत और नीति है उसको जब तक ये प्रमाणित लाएंगे नहीं, क्रियान्वयन में सफल नहीं होंगे तब तक हम कैसे कह देंगे। अच्छा हमें तो लगातार संपर्क, ये तो शुरू से 2014 से लगातार बात कर रहे हैं। अच्छा। डबल इंजन की रेल इनकी कहीं तक पहुंची नहीं। अच्छा। हाँ तो इसलिए केवल लबबाजी वाली बातें हैं, ठीक है आंकड़ों के रूप में आप कह सकते हैं, लेकिन उसका धरातल से वास्तविक व्यवहारिक रूप से कोई वास्ता नहीं। आमिर साबरी और मैं इसको 10 में से 3.5 नंबर दूंगा। नंबर नहीं मांग रहा कोई, हमारे आर्थिक विश्लेषक महोदय ने बहुत अच्छी बात, किसे नंबर नहीं मांग रहे, किसे नंबर मांग रहे क्या आप उनसे, किसी भाई नहीं क्या आप नंबर मांग रहे हैं। देखिए जी देखिए गौरव जी, जहाँ तक नंबर देने और ना देने की बात है जी, तो कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना है, और जो चीज इन्होंने स्वयं कही कि 2014 से ये काम कर रहे हैं, भारत देश कहाँ पहुंचा, तो देखिए जनता को कितना लाभ मिला कितना लाभ नहीं मिला देश की स्थिति में है, इसका आकलन हर चीज का जनता आकलन करती है, और जनता जनार्दन है और सरकार चुनने का अधिकार जनता को है। सरकार हम 4 लोग बैठ के नहीं चुन सकते हैं, तो जनता ने जो अपना रिजल्ट दिया है उससे पता चलता है कि वास्तव में जनता खुश है। अच्छा। जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और केवल आमिर भाई के से आपकी आलोचना नहीं होती। हालांकि हमारे आर्थिक विश्लेषक महोदय ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही, लेकिन साथ ही साथ एक बात ये भी कही थी कि बजट लुभावना है, कुल मिलाकर के उन्होंने भी आखिर में ठोकी दी आखिर ताबूत में। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अंत्येष्टि के नाम पर जो बजट व्यवस्था की गई है, कब्रिस्तान के नाम पर जो बजट हुआ था उसमें हमारे KC जैन को बहुत तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन सच्चाई यह सुन लीजिए पूरी
भाजपा को तकलीफ थी, लेकिन सुन लीजिए कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जितना पैसा दिया सरकार ने उससे 50 गुना ज्यादा कब्रिस्तानों पे, दरगाहों पे, खानकाहों पे सरकार के लोगों ने कब्जे भी किए गौरव जी, ये बहुत स्पष्ट मैं बता दूं। इसलिए कि हम मैं पहले दिन से कहता हूँ समाजवादी में और भाजपा में कोई फर्क नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू, तमाम कब्रिस्तानों कब्जे, आप लखनऊ से लेके इटावा और एटा और फरकाबाद मैनपुरी निकल जाइए, तमाम कब्रिस्तानों पे दरगाहों पे सारे कब्जे किए गए और चंद बाउंड्रियां कब्रिस्तानों करा दी गई। तो भाजपा ही उसी को लेके बड़ा यहाँ पर नागिन डांस किया करते थे विधानसभा के सामने। लेकिन आज अंत्येष्टि के नाम पर जो बजट व्यवस्था की बात की गई है, अरे सुन लीजिए जैन साहब सुन लीजिए, कुल मिलाकर के जो व्यवस्था की गई है, अरे सुन लीजिए जैन साहब क्यों चिल्ला रहे हैं आप, सुन लीजिए, अरे आप बोले मैं नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए लेकिन आप कभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, सारा जो कुछ विकास देश ने किया या देश का गौरव बढ़ा विदेशों में वो सब माननीय मोदी जी के समय बढ़ा है। आज तक 70 सालों में देश हमारा बहुत बैकवर्ड था, आपने अपर कास्ट का कर दिया देश हमारा, हमें शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए। बोले चलिए बोले, लोगों को लड़ाने वाला स्टेट पे आप दे रहे हैं, दरगाहों पे कब्जा हो गए, मजारों पे कब्जा हो गए, क्या गलत कह रहे हो, लड़ाने वाला जाइए आप जाके, अरे आप जाके सर्वे कर लीजिए जनता को, मैं यही तो कह रहा हूँ, कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेके आप लोग नागी डांस करते थे, आज 1,000 करोड़ रुपए चूक दे रहे हैं, 750 रुपए गौवंश के नाम पर दे रहे हैं, गौवंश की हत्या सब आप लोग करते हैं, किरण रिजिजू को मैं शोक जताता हूँ, मुझे तमाम भर गए, तमाम पैदा हो गए, मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कह रहा मैं करता हूँ, मुझे कोई रोक के दिखाए, यही तो मैंने पूछा था आपसे, ये मुद्दा पर लाते कहाँ थे आप लोग, चले ठीक है चले हो गया, अरे बताइए ना, ओके चलो अमर भाई जाओ जाओ जवाब 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 कैसे जवाब दीजिए, तमाम आपके नेता गोवंश खाने में कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, तमाम बजट चर्चा है, एक ही शब्द पढ़ लिया, तमाम 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 बस हो गया, अरे आप बताइए ना कौन कौन सी दरगाह है, कहाँ कहाँ कब जाओगे बताइए, आप बताइए बताइए क्या बताइए, आप क्या कर रही है करके कहाँ कर रही है, आप इतना यही बात कर रहे हैं, तमाम 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 दो पहलू हैं, इतनी इंग्लिश लीजिए ना, दरगाह पे कब्जा हो गया जी, फर्जी बातें कर रहे हैं, कौन सी दरगाह कब्जा हो गया, हमारे जल्दी बताइए, तमाम कब्रिस्तानों की जमीन पर समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, अरे आपको बुरा लग रहा है, सपा के लिए बोल रहे हैं, सपा के लिए बोल रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, सपा के लिए बोल रहा हूँ, आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी उत्तर प्रदेश के बजट की, यह चर्चा थी प्रदेश के सबसे बड़े यहाँ पर उत्सव की, उत्सव ही है क्योंकि यह बजट आएगा तो बजट के माध्यम से तमाम लोगों की यहाँ पर बातचीत खिलेगी, क्या बेहतर सरकार ने हमको दिया है और क्या अब हमारे साथ अगले एक साल में होने वाला है। पर जाहिर तौर पर बात है, जब बजट आता है तो उससे तमाम लोगों की गृहस्थी पर असर पड़ता है, गृहस्थी गृहिणी की, गृहस्थी नौकरी पेशाओं की, गृहस्थी व्यापारियों की, क्योंकि गृहस्थी ही बोलेंगे क्योंकि जो भी आदमी काम कर रहा है उससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं बजट पर निर्भर करती हैं। इस बजट के क्या मायने होने वाले हैं, वो बजट से आगामी निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है, उम्मीदों का बजट, विश्वास का बजट या चुनावी बजट, ये जनता तय करेगी, क्योंकि निकाय चुनाव में परिणाम आएंगे और परिणाम आएंगे आम चुनाव में, और जो बेहतर होगा उसी को जनता जनाधार देगी, बाकी जो चर्चाएं चलती है, बयानबाजी चलती है, वो चलती रहेगी, किसी के बयानों से कुछ नहीं होने वाला है, चलते रहेंगे बयान, जनता केवल चाहे रोटी कपड़ा और मकान। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।